फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना कॉल फॉरवर्डिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, और ये कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग को इनेबल करने के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन करना है। ठीक है, डायल पैड ओपन कीजिए। अब इसमें सबसे ऊपर ये डॉट का ये ऑप्शन है, डॉट पर आपको टैप करना है। ठीक है, आपका ये छोटा सा पेज आता है, इसमें सेटिंग का ऑप्शन टैप करना है। अब देखिए यहाँ पर आपका ये पेज आता है, इस पेज में आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो ये ऑप्शन आपको मिलता है सप्लीमेंट्री सर्विस, इसे आपको टैप करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका ना एक पेज शो होगा, ये पेज हमारा रिफ्रेश हो रहा है तो आपका ये पेज शो होगा। यहाँ पे थोड़ा वेट करना है आपको 10 से 15 सेकंड तक। ठीक है, देखिए हमारा पेज जो है शो हो गया। अब यहाँ पे ये आपका कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है, कॉल फॉरवर्डिंग पे टैप करना है। ठीक है, तो आपका ये पेज आता है, इसमें दो ऑप्शन है, वॉइस कॉल वीडियो कॉल। तो जिसमें आपको कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल करनी है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, आपको ना दोनों में ही कॉल फॉरवर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं, वॉइस कॉल वीडियो कॉल में, लेकिन एक एक करके। यहाँ पर मैं आपको वॉइस कॉल के बारे में बता देता हूँ, वही सेम प्रोसेस वीडियो कॉल में भी काम करेगा। ठीक है, अब मैं वॉइस कॉल पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर आपका पेज जो फिर से रिफ्रेश होता है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे देखिए हमारा पेज जो है रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये ऑलवेज फॉरवर्ड का ऑप्शन है ना, ऑलवेज फॉरवर्ड पे टैप करना है। अब आपका ऑलवेज फॉरवर्ड का छोटा सा पेज आता है। देखिए दोस्तों, इसमें जो नंबर दिखाई दे रहा है ना, ये मोबाइल नंबर जो है इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने अपने मोबाइल फोन में पहले भी एक बार जो है कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल किया था, इसलिए नंबर यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको इस जगह पर ना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। देखिए मोबाइल नंबर कौन सा एंटर करना है, आपको ना अपना मोबाइल नंबर छोड़कर किसी दूसरे का मोबाइल नंबर एंटर करना है। ठीक है ना, ये देखिए ये मोबाइल जो है ना, ये मोबाइल फोन जो है मेरा है, और ये जो मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ये मेरे फैमिली का मोबाइल नंबर है। तो मैं इस नंबर को ऐसे ही रहने देता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए आपको नंबर एंटर करने के बाद ये इनेबल का ऑप्शन टैप करना है। ठीक है, तो आपका पेज यहाँ पे फिर से अपडेट होता है। यहाँ पे आपको 10 से 15 सेकंड वेट करना है। देखिए हमारा पेज जो रिफ्रेश हो गया, अब ये ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे ये मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग जो है इनेबल हो जाती है। ठीक है, अब देखिए कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल होने के बाद अब ये सेटिंग कैसे काम करेगी। देखिए दोस्तों, अब कोई भी पर्सन जो है मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करेगा ना, तो अब वो कॉल मेरे मोबाइल नंबर पर नहीं आएगा, अब वो कॉल जो है इस वाले मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। ठीक है, यानी मेरे मोबाइल नंबर पर जो कोई भी पर्सन कॉल करेगा मेरे मोबाइल नंबर पर, तो वो कॉल मेरे नंबर पर नहीं आएगा, वो सारे के सारे कॉल जो है इस मोबाइल नंबर पे जाएंगे। तो ये कॉल फॉरवर्डिंग जो है इनेबल करने के बाद ऐसे काम करती है। ठीक है,